अगर हम गियर की बात करें तो इसमें आपको 8 फॉरवर्ड और 2 रिवर्स गियर मिलते हैं, जो कि साइड शिफ्टिंग गियर आपको मिलने वाले हैं। फुल्ली कॉन्स्टेंट में इस गियर आपको मिलते हैं। आपको रेडिटर मिलता है, जो काफ़ी बड़ा रेडिटर आपको कंपनी प्रोवाइड करा के दे रही है, जिससे कि इसमें आपको प्रीमियम क्वालिटी की जाली आपको देखने को मिलती है, जिससे कचरा आगे रुक जाता है और हवा अंदर। लिंकेज के साथ में आपको ऑटोमेटिकली हाइड्रोलिक डेप्थ एंड ड्राफ्ट कंट्रोल बार मिल जाता है। डबल डिस्ट्रीब्यूटर वाल्व यहाँ पे आपको कंपनी देती है, जिससे कि बड़े से बड़े एमबी प्लाउ वगैरह संयंत्र आप यहाँ चला सकते हैं इस ट्रैक्टर के अंदर। आपको डबल पंप कंपनी यहाँ पे ऑफर करती है, एक तो पावर स्टेयरिंग का है और एक आपको हाइड्रोलिक का पंप आपको यहाँ पे मिल जाता है। इसमें आपको सिंगल पीस बोनट मिलता है, जिसमें आपको 2 शाखा बार मिलती हैं, और ये इसके भार को जारी रखती है। वो आपको डुअल एक्टिंग पावर स्टेयरिंग मिलती है, जो कि बैलेंस टाइप में वर्क करने वाली है। स्वागत है आपका एक और शानदार वीडियो में। मेरा नाम है अमजद और आप देख रहे हैं एग्रोटेक। आज हम ऐसे ट्रैक्टर का फुल डिटेल रिव्यू कर रहे हैं, जो कि 50 HP कैटेगरी का ट्रैक्टर है, और इस ट्रैक्टर के अंदर आपको शानदार फीचर मिलने वाले हैं। तो हम बात करेंगे इस ट्रैक्टर के फीचरों की। तो इसमें हम सबसे पहले बात करते हैं इसके आगे के फ्रंट से। तो इसमें आपको जो फ्रंट में आपको बम्फर मिलता है, वो हैवी ड्यूटी मिलता है, कंपनी फिटेड, जो कि आपको 85 से 90 kg का बम्फर आपको मिलता है, जिससे फ्रंट लिफ्टिंग नहीं होती है। आगे की तरफ अगर हम बात करें तो इसमें आपको एक्सल मिल जाता है, जो हैवी ड्यूटी है, नॉन एडजस्टेबल आपको एक्सल मिलता है। उसके बाद में हम बात करते हैं इसके आगे में बैटरी के, तो इसमें आपको 12 वोल्ट और 88 Ah की बैटरी मिलती है, जो कि एमरोन की है। आगे हम बात करें इसमें क्लीनर की, तो इसमें आपको ड्राई टाइप में क्लीनर मिलता है डुअल एलिमेंट के साथ में, जो काफ़ी बड़ा है। उसके बाद में आगे इसमें आपको रेडिटर मिलता है, जो काफ़ी बड़ा रेडिटर आपको कंपनी प्रोवाइड करा के दे रही है, जिससे कि इसमें आपको प्रीमियम क्वालिटी की जाली आपको देखने को मिलती है, जिससे कचरा आगे रुक जाता है और हवा अंदर चली जाती है। और इंजन जो है बैटर कूलेंट सिस्टम के साथ में वर्क करता है, और इस ट्रैक्टर में आपको वाटर कूल्ड इंजन मिलता है, जो कि 50 HP की पावर को प्रोड्यूस करता है। इसमें आपको 3300 cc का इंजन मिलता है, जो काफ़ी पावरफुल इंजन आपको मिलता है, क्यूबिक कैपेसिटी। उसके बाद में हम बात करते हैं इस ट्रैक्टर में कूलेंट बॉक्स की, तो आप देख सकते हैं इसमें आपको 1.5 लीटर का कूलेंट बॉक्स यहाँ पे कंपनी की तरफ से मिलता है, जो कि रेडिटर में ही आपको फिट करके दिया हुआ है। इसमें आपको बोस्को का पंप आपको मिलता है, जो कि इनलाइन पंप के साथ में ये ट्रैक्टर आपको मिलता है। 3 सिलेंडर ये ट्रैक्टर आता है, और बोस्को का पंप कंपनी यहाँ पे आपको देती है। उसके बाद में आपको डुअल डीजल फिल्टर मिलते हैं, जो कि बोस्को के ही आपको मिलने वाले हैं। इसी के पास में आपको वाटर सेपरेटर की पोजीशन मिल जाती है। इंजन ऑयल फिल्टर की अगर हम बात करें तो बड़ा सारा आपको इंजन ऑयल फिल्टर मिलता है। इसमें आपको जो स्टेयरिंग है, वो आपको डुअल एक्टिंग पावर स्टेयरिंग मिलती है, जो कि बैलेंस टाइप में वर्क करने वाली है। अगर हम इसके ग्राउंड क्लियरेंस की बात करें तो इसमें आपको 3850 mm का आपको ग्राउंड क्लियरेंस मिलने वाला है, जो कि ज़बरदस्त है इस ट्रैक्टर के अंदर। उसके बाद में आपको इसमें मजबूत हिटिंग गार्ड आपको मिलने वाले हैं। आगे हम बात करते हैं इसके डीजल टैंक की, तो इसमें आपको 65 लीटर का डीजल टैंक कंपनी यहाँ पे ऑफर करती है। शानदार ट्रैक्टर आपको इसमें मिलने वाला है किसान भाइयों। उसके बाद में हम बात करते हैं इसके और फीचरों की, तो आप बने रहिए चैनल पे। अगर आप नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगर हम बात करें इसके बोनट की, तो इसमें आपको सिंगल पीस बोनट मिलता है, जिसमें आपको 2 शाखा बार मिलती हैं, और ये इसके भार को झेले रखते हैं। और जिस ट्रैक्टर का हम फुल डिटेल रिव्यू कर रहे हैं, वो टैफे की तरफ से आने वाला मैसी फर्गूसन 8055 मैसी फर्गूसन ट्रैक्टर है, जिसकी आप बैजिंग देख सकते हैं लेफ्ट साइड में, मैसी फर्गूसन 8055 की। और इसमें आपको क्लच की अगर हम बात करें, तो इसमें आपको डुअल क्लच मिलती है, जो कि पुश पैडल के साथ में आती है, लंबे समय तक साथ देने वाला फुट स्टेपर मिल जाता है। फ्लैट में आपको इसमें पायदान मिल रहे हैं, जो जिसमें होल दिए हुए हैं लंबे लंबे, आप देख सकते हैं। पटली करते समय आपका पैर फिसले ना, इसका पूरा ख्याल रखा है। अगर हम गियर की बात करें तो इसमें आपको 8 फॉरवर्ड और 2 रिवर्स गियर मिलते हैं, जो कि साइड शिफ्टिंग गियर आपको मिलने वाले, फुल्ली कॉन्स्टेंट में इस गियर आपको मिलते हैं। उसके बाद में आप देख सकते हैं इसमें आपको फंडर में ही हैंड ब्रेक आपको यहाँ पे मिल जाता है। अगर हम इसमें सीट की बात करें, तो इसमें आपको मल्टी एडजस्टेबल सीट मिलने वाली है, आप अपने तरीके से इसको एडजस्ट कर सकते हैं और स्मूथ ड्राइव के लिए। चलिए ऊपर चढ़ते बात करते हैं इसके इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की, तो इसमें आप देख सकते हैं
इंस्ट्रूमेंट जो क्लस्टर है इसका डिजिटल और एनालॉग दोनों में आपको इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मिल जाता है, जिसमें कि कितने घंटे चला है ट्रैक्टर वो यहाँ पे दिखाएगा, फ्यूल कितना है वो आपको यहाँ पे दिखाएगा, टेम्परेचर क्या है वो आपको दिखाएगा, आरपीएम क्या है ट्रैक्टर का वो यहाँ पे शो करेगा। इसके जो स्टेयरिंग है वो आप देख सकते हैं, गाड़ियों की तरह इसकी स्टेयरिंग आपको मिलने वाली है इस ट्रैक्टर की। तो ये जो ट्रैक्टर है काफ़ी शानदार ट्रैक्टर आपको मिलने वाला है। उसके बाद में इसमें आपको दोनों तरफ आप ड्राइवर ग्रिप हैंडल देख सकते हैं, इसमें आपको दोनों तरफ मिलते हैं, पार्किंग और ब्रेक इंडिकेटर आपको इसमें दोनों तरफ ही मिल जाते हैं। उसके बाद में हम बात करते हैं इसके टायर साइज़ की, तो आगे के जो टायर है इसमें आपको MRF के मिलने वाले हैं, कंपनी ने बिल्कुल भी कंजूसी नहीं की है किसान भाइयों, और ये आपको 750 के मिलते हैं। पीछे के टायर की अगर हम बात करें तो ये भी आपको MRF के ही मिलने वाले हैं, और ये आपको मिल जाते हैं 16/9/28 के टायर आपको मिल जाते हैं MRF के। तो ये ट्रैक्टर आपको शानदार लुक के साथ में आपको मिलने वाला है। ट्रांसपोर्ट लॉक की अगर हम बात करें तो इसमें आप देख सकते हैं जो ट्रांसपोर्ट लॉक है वो आपको बीच में ही मिल जाता है। उसके बाद में हम बात करते हैं अन्य फीचरों की, तो आप बने रहिए चैनल पे। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके जाइएगा। इसका आप शानदार लुक देख सकते हैं, इसमें आपको अंदर जो है प्रोजेक्टर हेडलैम्प आपको मिलती है अंदर की तरफ, जो कि विजिबिलिटी को दिखाती है। उसके बाद में हम बात करते हैं इसके अल्टरनेटर की, तो इसमें आपको 12 वोल्ट और 75 एम्पियर का अल्टरनेटर आपको मिल जाता है। अगर हम इसके बात करें पंप की, तो इसमें आपको डबल पंप कंपनी यहाँ पे ऑफर करती है, एक तो पावर स्टीयरिंग का है और एक आपको हाइड्रोलिक का पंप आपको यहाँ पे मिल जाता है। उसके बाद में इसमें आपको 12 वोल्ट और 2 किलो वोल्ट की आपको सेल्फ स्टार्टर मोटर मिलती है। उसके बाद में हम बात करें बैटर नोसिस के लिए, आप देख सकते हैं साइलेंसर, जिसमें कि आपको हीटिंग गार्ड कंपनी लगा के दे रही है, तो ये शानदार आपको साइलेंसर मिलने वाला है। उसके बाद में हम बात करते हैं इसके ब्रेक की, तो इसमें आपको मल्टी डिस्क ऑयल इमरजेंसी से ब्रेक आपको मिलने वाले हैं पुश पैडल के साथ में, जो कि गाड़ियों में जो पैडल होते हैं वो पैडल आपको इसमें मिलने वाले हैं। इसमें आपको रेस पैडल नीचे मिल जाता है और रेस लीवर आपको यहाँ पे ऊपर मिल जाता है। ये शानदार ट्रैक्टर आपको मैसी की तरफ से मिलने वाला है, 50 HP की पावर को प्रोड्यूस करता है, ये 50 HP ट्रैक्टर है और मेगना ट्रैक के नाम से ये आप देख सकते हैं। इसमें बैजिंग आपको मिलती है, फोर कूलिंग इंजन इसमें आपको मिलता है, आगे से हवा जाती है और साइड से निकल जाती है, जिससे इंजन है जो है ज़्यादा काम करता है और लंबे समय तक चलता है। चलिए हम बात करते हैं अन्य फीचरों की, तो आप बने रहिए चैनल पे। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके जाइएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो हम आ गए हैं पीछे की तरफ और बात करते हैं इसके पीछे के फीचर की, तो इसमें आपको हैवी ड्यूटी आपको एक्सल मिलता है, जो काफ़ी हैवी है और लंबे समय तक चलने वाला है। उसके बाद में हम बात करते हैं इसके ऑटोमेटिकली हाइड्रोलिक डेप्थ एंड ड्राफ्ट कंट्रोल बार की, तो थ्री लिंकेज के साथ में आपको ऑटोमेटिकली हाइड्रोलिक डेप्थ एंड ड्राफ्ट कंट्रोल बार मिल जाता है, और मैसी की जो सेंसिंग है वैसे भी ज़बरदस्त किसान भाइयों आप लोगों को मिलती है। उसके बाद में ट्रॉली में अगर आप ट्रैक्टर चलाते हैं तो इलेक्ट्रिक सॉकेट कनेक्टिविटी यहाँ पे मिल जाती है। आपको जो PTO है इसमें जो PTO है वो आपको मिलने वाली है, मैक्सिमम जो PTO पावर है वो आपको 46 HP की PTO पावर मिलती है 6-ply के साथ में। और अगर हम इसकी हाइड्रोलिक लिफ्टिंग कैपेसिटी की बात करें तो इसमें आपको 1800 kg की हाइड्रोलिक लिफ्टिंग कैपेसिटी आपको मिलती है। उसके बाद में आपको इसमें मिड में ही आपको रिफ्लेक्टर मिल जाता है, बीच में ही आपको इसमें टूल बॉक्स मिलता है जो कि फाइबर का है, लंबे समय तक चलने वाला है, और राइट साइड में आप DC और PC लीवर की सेटिंग करेंगे तो आप देख सकते हैं एरोडायनेमिक आपको DC और PC लीवर आपको मिलने वाला है, जिसका कि लीवर आप देख सकते हैं एक लीवर आपको यहाँ पे मिल जाता है, इस डिस्ट्रीब्यूटर का लीवर आपको यहाँ पे मिलने वाला है। तो उसके बाद में 2 लीटर का कैरियर मोटर आपको यहाँ पे मिल जाता है। उसके बाद में हम बात करते हैं अन्य फीचरों की, तो आप पीछे का लुक आप इस ट्रैक्टर का देख सकते हैं, शानदार लुक के साथ में ये ट्रैक्टर आपको मिलने वाला है किसान भाइयों, और 50 HP में इतने सारे फीचर आपको मिलने वाले हैं, फुल्ली लोडेड ट्रैक्टर आपको ये मिलने वाला है। इसमें आपको डबल डिस्ट्रीब्यूटर वॉल्व यहाँ पे आपको कंपनी देती है, जिससे कि बड़े से बड़े MB प्लाव वगैरह संयंत्र आप यहाँ चला सकते हैं इस ट्रैक्टर के अंदर। फंडर में ही आप देख सकते हैं, इसमें आपको हैंड ब्रेक आपको यहाँ पे मिल जाते हैं फंडर में ही, और ये जो ट्रैक्टर है काफ़ी शानदार आपको मिलने वाला है।
मल्टी एडजस्टेबल आपको इसमें सीट मिलने वाली है। पीछे की तरफ आपको इसमें पार्किंग और ब्रेक इंडिकेटर का ऑप्शन आपको यहाँ पे मिल जाता है। हैलोजन हेडलाइट मिल जाती है रात में वर्क करने के लिए। तो ये शानदार ट्रैक्टर आपको दोनों तरफ आपको इसमें पैसेंजर और ग्रिव हैंडल आपको मिल जाता है फंडर में। तो ये जो ट्रैक्टर है आपको शानदार ट्रैक्टर मिलने वाला है और ये 2023 में रिसेंटली कंपनी ने लॉन्च किया है। 8055 8055 मैसी फर्गूसन जो कि शानदार लुक के साथ में ये आपको ट्रैक्टर मिलने वाला है। बीच में आपको इसमें मैसी का लोबो मिल जाता है और इसमें अंदर आपको जो दो प्रोजेक्टर हेडलैम्प आपको मिल जाती हैं और शानदार लुक आपको इसमें मिल जाता है, स्मार्ट लुक मिल जाता है इस ट्रैक्टर का। तो ये ट्रैक्टर आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो फाइनली हम इस ट्रैक्टर की जो कीमत है उस पर आ जाते हैं। तो इस ट्रैक्टर की जो कीमत है 9,60,000 से लेके 10,20,000 के बीच में होने वाली है। अगर आप ये ट्रैक्टर खरीदने का मन बना रहे हैं तो आप ये ट्रैक्टर खरीद सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं किसान भाइयों ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मैं मिलता हूँ किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आपके दोस्त अमजद को दीजिए इजाज़त। जय जवान, जय किसान, जय हिंदुस्तान।